ये रिवर्स रिवर्स में हाफ स्पीड होती है नमस्कार दोस्तों कुछ समय से जीके वाली किट जो है 48 एट 750 सेवन फिफ्टी वाट आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी लेकिन अभी दोबारा स्टॉक में आ गई है और कुछ नए डिज़ाइन के साथ आया है हेडलाइट तो स्पेशली और वायरिंग भी जो है इस तरह से है कि आपको कनेक्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली सब कुछ कलर टू कलर आपको मैच करना है और आपका काम बन जाएगा डिटेल मैं आपको दे देता हूं पिछली बार की वीडियो में हमने बताया था और अब की बार भी हम बता देते हैं जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं 48 एट वर्ल्ट सेवन फिफ्टी वाट ये सेवन फिफ्टी वाट जो है जेनवन सेवन फिफ्टी वाट है मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला पिक पावर जो है 1500 सौ वाट है 1.5 पॉइंट फाइव किलो वाट कहते हैं आरपीएम जो है थ्री स्पीड मोड है इसमें इसमें थ्री स्पीड मोड है लो मीडियम हाई लो पे फोर हंड्रेड आर मीडियम पे फोर हंड्रेड नाइन्टी एंड हाई पे जो है ये सिक्स हंड्रेड से ऊपर ऊपर 610, सौ दस सौ बीस के आसपास आर पी आउटपुट आपको मिलता है फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स मोड में जो है सबसे कम आर पी है दो सौ पचास दो सौ के आसपास इसके आर पी होते हैं फर्स्ट मोड के आधे रिवर्स मोड में आर पी आधे ही होते हैं और रेटेड टॉर्क जो है एलेवन पॉइंट सिक्स नाइन न्यूट्रन मीटर गियर के साथ एलेवन पॉइंट सिक्स नाइन न्यूट्रन मीटर और पिक टॉर्क जो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री एट न्यूटन मीटर ये इसका टॉर्क है आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आरबीएम होनी चाहिए पावर होनी चाहिए बस हो गया कैलकुलेट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप गूगल पे चेक कर सकते हैं प्योर कोपरमिंग के साथ आती है और अकेली मोटर का वजन जो है साढ़े पाँच किलोग्राम के आसपास होता है फाइव पॉइंट फाइव के जी रेटेड करंट बताया गया है थर्टीन पॉइंट फाइव मीटर प्रोटेक्शन लेवल जो है IP331, थर्टी थ्री वन और इंसुलेशन क्लास जो है एफ फाइव हंड्रेड इस आरपीएम लिखा हुआ है लेकिन फाइव हंड्रेड से ज्यादा ही मिलता है फाइव हंड्रेड तो तब होता है जब बैटरी बिल्कुल ही लो जाए उस टाइम भी कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही होगा और बैटरी जब फुल होगी तो आरपीएम 600 से ऊपर ऊपर होगा एफिशिएंसी 87 परसेंट हैवी ड्यूटी एयर कूलिंग डिजाइन के साथ गियर्ड मोटर है और आगे जो है फोर्टीन टीथ का स्प्रोकेट लगा हुआ है चार नंबर का फोर्टीन टीथ का फोर नंबर का स्प्रोकेट लगा हुआ है और इसमें फ्री व्हील आता है फोर नंबर का ही फ्री व्हील होता है चेन आती है ये इसकी चेन है जीके और अब की बार कुछ ऐड कर रहे हैं ये है ट्वेंटी फाइव टीथ का बड़ा स्प्रोकेट जो मोटर के आगे लगेगा फोर्टीन टीथ को हटा के ये जो है स्पेशली बाइक के लिए है कोई बाइक में लगाना चाहता है तो एग्जिस्टिंग चैन जो पहले से चेन है उसी के ऊपर ये लग जाएगा आपको चेन बदलने की ज़रूरत नहीं है चेन वाला झंझट खत्म हो जाएगा और थर्टी फाइव टू फोर्टी की स्पीड इसमें मिल जाएगी आराम से आपको बड़े वाले स्प्रोकेट के साथ जिसको कम स्पीड से ही है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं अच्छा जी अगला है साढ़े पाँच किलोग्राम के आसपास इसका वेट मैंने आपको बता दिया है और माउंटिंग प्लेट दिया गया है इसको इंस्टॉल करना भी बिल्कुल आसान है नीचे माउंटिंग प्लेट है चार नट लगेंगे और माउंट हो जाएगा चारों नट आपको कसने हैं ये नहीं कि आपने दो कस दिए या तीन कस दिए एक छोड़ दिया तो फिर वो अच्छे से सेट नहीं होगा यह कंट्रोलर का कुछ डिटेल लिखा हुआ है रेटेड वोल्टेज 48 एट वोल्ट रेटेड करंट ये पीक करंट है थर्टी एम रेटेड जो है तेरह से पंद्रह एम के आसपास होता है इसमें एक्सीटर का वोल्टेज बताया गया है और अंडर वोल्टेज 42 वोल्ट के आसपास ये कट हो जाएगा कट ऑफ वोल्टेज है ये जी के औरिजिनल एटी परसेंट के इसके आसपास जो है एफिशिएंसी है लो लेवल ब्रेक के साथ आता है ये कंट्रोलर और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप वायर को इंटरचेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है सिर्फ दो वायर को आप कनेक्ट करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ही ईजी है इस टाइप के कंट्रोलर में ऐसा फंक्शन होता है और नेक्स्ट चीज़ इसका वेट जो है छः सौ ग्राम के आसपास है हाई क्वालिटी के इसमें मॉस्फेट लगाए गए हैं एयर कूलिंग इसका डिज़ाइन है आपको जो इंस्टॉल करना है कुछ ऐसी जगह पर रखना है जहां पर हवा लगती रहे ताकि कंट्रोलर गर्म ना हो वायरिंग का मैंने आपको बता दिया बिल्कुल ईजी है सब कुछ कलर टू कलर आपको मैच करना है मोटर फेज होल सेंसर हर चीज़ मेन पावर सप्लाई वगैरह चेक कर लीजिएगा जब आप कनेक्शन करें ये देखिए थ्रोटल जो है थ्री स्पीड के साथ है और फॉरवर्ड रिवर्स है लेफ्ट ग्रीप में जो है हॉर्न है इंडिकेटर दिया गया है और लाइट है लाइट का कनेक्शन आप कर लीजिएगा और वैसे देखिए हॉर्न एक बार मैं बजा के दिखाता हूं। काफ़ी है। इसमें बैटरी लेवल दिखाएगा स्पीड वाला कनेक्शन करेंगे तो स्पीड भी दिखाएगा और अब की बार लाइट देखिए कुछ अलग ही टाइप की है एलईडी हेडलाइट है ये इसका प्रोटेक्शन फिल्म है इसको हटा दीजिएगा फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो पूरा सिस्टम ऑन होगा और दूसरी बार में ओनली हेडलाइट ऑन होगा नेक्स्ट जो है जब आप स्पेशली बाइक में लगाएंगे तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है सीवाई गोल्ड का 15 एम्पियर 12 वोल्ट यानी कि 180 एट्टी वाट का लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के लिए जो बाइक में होते हैं पहले से वो जो है इस चीज से काम करेंगे ये एक जरूरी आइटम है और आप इसको बाइक में लगा सकते हैं नंबर दो अगर कोई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल जो होता है ट्राईसाइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसमें भी लगा सकते हैं बाइक में जो लोडिंग कैपेसिटी होगी वो टू परसेंट यानी कि वन फिफ्टी के जी रहेगी थर्टी फाइव टू फोर्टी के एम पी स्पीड के साथ और ट्राईसाइकिल में जो है बीस से पच्चीस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव की स्पीड रहेगी सिक्स हंड्रेड के जी ग्रोस वेट के साथ 600 किलोग्राम ग्रोस वेट के साथ ये इस बैटरी से मैं भी इसको चला रहा हूँ आपको बड़ी बैटरी रखनी है ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है टेस्टिंग वाली बात अलग होती है और लोड वाली बात अलग होती है लोड पर ज्यादा पावर कंज्यूम होता है अगर कोई इलेक्ट्रिक पावर टीलर वगैरह बनाना चाहता है खेत वगैरह चलाने के लिए तो वो भी बना सकते हैं कोई लोडिंग व्हीकल बनाना चाहता है कोई गो कार्ट बच्चों के लिए बनाना चाहता है तो उसके लिए एकदम बढ़िया किट है पीछे इसका एयर कूलिंग फैन है कभी भी इस कवर को हटा के और कूलिंग फ़ैन मत हटा देना क्योंकि वो एक ज़रूरी चीज़ दिया गया है दिया गया है तो कोई कारण है इसलिए दिया गया है कुछ लोग इसको हटा देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए पूरा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जिसको लेना हो संपर्क कर सकते हैं देखिए इसमें टोटल दस आइटम आते हैं ये चार्जिंग सॉकेट है इसका मोटर कंट्रोलर वायरिंग कनेक्टर जैक डीसी टू डीसी कनवर्टर कन्वर्टर हेडलाइट विद बैटरी लेवल इंडिकेटर स्पीड ये थ्रोटल सेट है फ्री व्हील है ट्वेंटी फाइव टीथ का फोर ट्वेंटी एट नंबर का स्प्रोकेट है और चेन है यू करके टोटल दस आइटम है बैटरी और चार्जर इसमें इंक्लूड नहीं है बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जिसको लेना हो संपर्क कर सकते हैं लो लेवल ब्रेक है मैंने आपको इसमें बता दिया है और स्पीड वगैरह का ये, ये स्पीड वाला वायर है और ये दोनों जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए है ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो